परम श्री लालदास महाराज की जय। परम श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही जय। परम हंस बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करहु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना। तेज कुंवर शाम को पल पल तेज कुंवर शामुगल पल पल चर्चा प्रारंभ होते है सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारा ये। श्री भागवती करे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे थकत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आपके जागी आर आया के तब साथे जागे धनिये पकड़े हाथ। जागे धनिये पकड़े हाथ यो बात चाल पड़े। प्रणाम सुंदर साहब जी प्रणाम। चार भये यो मासे चार भये आप धाम के धनी अक्षरा तीत पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निश्चल का अवतार महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी परम हंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते फरमा रहे हैं। यो मास चार भय। श्री जी आप उदयपुर में बिराते हैं जागनी कर रहे हैं खूब। अब चार महीना जब उन सुंदर साथ हो गए जो 12 मोमिन गए थे दिल्ली में उन्होंने स्वामी जी के लिए चिट्ठी लिखते हैं। एक जो साथ लड़े संग सुल्तान जो साथ लड़े संग सुल्तान जो औरंगजेब के बादशाह के साथ में बातचीत हुई उनके मुल्ला मौलवी काजियों से भी खूब सत्संग हुआ। तो वो सुंदर साथ क्या कहते हैं उन्होंने अर्जी करी स्वामी जी को पत्र लिखा है लिखा क्या लिखा हम लड़े। स्वामी जी आप कहो तो हम यहाँ बैठे रहे एक साल भर लेकिन ये मानने वाले हैं नहीं। इस शरीयत से हम लड़े ये अपनी सरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। हकीकत मार्फत की रास्ता नहीं लेना चाहते हैं। इसी में बहुत सत्संग किया है चार महीना देख रहा है अपने नैनों से देख लिया हमने
बिना सोटे इन पर ऐसे नहीं मानने वाले हैं ये। ये तो इनके ऊपर जब डंडा पड़ेगा, मार पड़ेगी, तब ये ठीक सीधे होंगे। ये ऐसे ईमान नहीं ले आएंगे। नीचे कर हम देखिया, अच्छी करके हमने देख लिया इनको, इनको ईमान है नहीं, ये तो खाली अपनी शरीयत में फंसे हैं। तो पैगाम को दिया, तो पैगाम इनकी बात को कुरान से इन्हीं को समझा रहे हैं, तो अभी नहीं माना इन्होंने। सुनाना हुक्म सुभान, सुभान हमारे धनी का हुक्म को नहीं मानते हैं। आप सुंदर साहब ने पत्र लिखा स्वामी जी के लिए कि धनी आपकी आज्ञा मुझे क्या हो रही है उसको मैं देख रहा हूँ। जो हमको आवे हुकम, जैसा हुक्म करोगे वैसी मैं आस करूँगा, फिर माफक हम करें, उसी माफक हम चलेंगे। जैसा लिख भेजो तुम, जैसा आप हमें लिख करके भेजोगे वैसी मैं कहूँगा। लेकिन ये मानने वाले हैं नहीं, ये सीधी बातों से नहीं मानते हैं। तब स्वामी ने पत्र लिखा, उठके आयो तुम आ जाओ, मैं कोई और उपाय करूंगा, किसी राजा को समझाऊंगा। इन पर सोटा होगा, इन पर सोटा होगा, इनके ऊपर जब मार पड़ेगी तब ये सीधे होंगे। राजा सामर्थ राजी महाराज है, उनकी मार पड़ेगी तब आदमी सीधा होता है। आदमी के समझाने से आदमी मानता नहीं है, तो कादर के हुक्म से एक मदद पत्र जाके सुंदर साहब को दिया, दिल्ली को दिया है, सुन के बड़े प्रसन्न हुए सब लोग चलने के लिए, दिल हुआ रोशन, बड़ा खुशी हुई है। इस्लाम जाकर के क्या कहते हैं, तुम भाई अब तुम देखो, तुम मानते तो हो नहीं हमारी बात को, समझते नहीं हो, तो हम यहाँ बैठ के क्या करूँगा, हम तो अपने इमाम के पास जाऊँगा, हमको तुम रजा दे दो, मैं जाना चाहता हूँ, हम अपने ठिकाने चले जाएंगे, हमें हुक्म करवाओ, हमको करो हुक्म, हमको बादशाह से छुट्टी दिलवा दो। काजी ने कहा, तब काजी क्या कहता है, मैं सुल्तान से रजा करवाऊंगा, तुम परसों आ जाना, तुम परसों हमारे पास आ जाना, खास सुनाऊंगा, मैं सब जनता के सामने आपकी बात रखूंगा बादशाह के आगे। एक दिन बीच में डार करके फिर काजी लेके जा रहा है, काजी लेके जा रहा दरबार में, सुल्तान सामने ठाड़े किए। सुल्तान बैठा है अपनी गद्दी पर, सिंहासन पर, सुल्तान के सामने जाके 12 मोमनों को खड़ा कर दिया काजी ने, और कहता है काजी की सरकार, ये जो मोमन थे 4 महीना पहले आपसे मिले थे आके, वो आज अपने घर जाना चाहते हैं, इनको क्या हुक्म करते हो, ये जाना चाहते हैं यहाँ से, अपने घर जाना चाहते हैं, ये वही हैं जो तुम्हारी शरण में आकर के इन्होंने तोहमत डाला था, लड़ाई करी थी, जिन लड़ाई करी सरे, जो सरे माँ के आपके साथ जो बातें करी थी, तब काजी ने कहा, तब क्या कहता है, यही मोमेंट उस दिन आपके साथ कहते थे एकांत में बात करेंगे, बादशाह तू जुल्म कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, इससे तुझे खुदा नहीं मिलेंगे, यही मोमेंट है जो उस दिन आपसे कहा था, तुमसे जो मजबूर किया था, जो मोमेंट ईमान लाए, तुम्हारे से बातें करी थी, देखा सामे सुल्तान ने और हम ये बात है, 12 मोमनों के चेहरे को देख रहा और मन ही मन अपना सर झुका रहा कि खुदा इनको खैर करे, ये मोमिन है, पर हम क्या करूं, हमारे मुल्ला मौलवी जो बड़े बड़े काजी हैं, वो कहते हैं अभी समय नहीं आया क्यामत का, तो उनकी भी बात माननी पड़ेगी, इसलिए सामने देखा सुल्तान ने इनको, तीन बेर फेर इनके चेहरे को देखता है, क्योंकि परमधाम की आत्मा है, मस्तक पर तेज है, 3 बार देखा और सर झुका के उनको
प्रणाम करता है मनी मन में, सर नवाए देखिया, सर झुका करके देखा इनको, देखना इनको खैर, खुदा इनको खैर दे, खुदा इनको पर रहम करे। ऐसा करते वो बादशाह मनी मन में कह रहा है इनको, 100 रुपया हाँ, तो हुक्म कर दिया कि 100 रुपया इनको रास्ते के खर्चा के लिए दे दिया जाए। देने का हुक्म कर दिया बादशाह ने। उसी समय लेकर के इनको बादशाह के सामने इन मोमनों को दे दिया है। ले आओ मोमनो तुम, इनको 100 रुपया दे दिए है, वहाँ से बख्शीश दी है। जब रजा नहीं सुल्तान ने कि आप जा सकते हैं यहाँ से, जब ऐसी रजा दी है तब राजी हुए तब सब बड़े खुश हो गए हैं। विदा हो के चले, तो विदा हो के चले, अब वहाँ से छुट्टी मिल गई तो चले, तो अपने एक दो दिन दिल्ली में रहे हैं दयाराम त्यागी के यहाँ, उसके बाद स्वामी जी के पास जाएंगे। एक दो दिन दिल्ली में रहे हैं, पहुंचे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आए पहुंचे उदयपुर, वहां पर जब स्वामी जी के पास आए तो स्वामी जी ने इनको देखा तो स्वामी जी का दिल भर गया। स्वामी जी का दिल भर आया इनके चेहरे को देख करके, दाढ़ी दूढ़ी बड़ी थी, बाल बड़े थे, बुरा हाल था। देख करके स्वामी जी ने एक एक सुंदर सा अपने गले लगा रहे, अपनी छाती से लगा रहे और कहते तुम श्याने मेरे साथ जी, बक्सो मेरी भूल, दीदी जो सिखा मन मुझको, जासो हूं संकोल। ये जो तुम्हें दुख मिला इसका कारण मैं हूं, मेरे चार शब्द सुनकर के आप अपनी जान हथेली पे लेकर के औरंगजेब के पास पहुंच गए। सुंदर जी एक एक सुंदर साथ को अपने छाती से लगाते हैं और प्यार दे रहे हैं। मुलाकात करी स्वामी जी से, जब मुलाकात करी तब भेष बदल शामिल भाई, फिर भेष बदलाया, इनके बाल बूल कटवाए, कपड़े बदलाए और फिर सुंदर साथ में शामिल हो गए। इस प्रकार से इन्होंने जागने का काम किया। एक लक्ष्मण भीम भाई, एक लक्ष्मण लाल दास और भीम भाई, श्यामदास से खिमाई थे, श्यामल दास वही चिंतामणि को स्वामी जी ने श्यामल दास नाम रख दिया था। तो श्यामल दास और गरीब दास लाल भाई भी आए हैं, श्याम भाई राम राज लाल दास के बेटी जमाई थे, वो भी स्वामी जी के पास पहुंचे हैं। ये श्री जी के चरणों में आए हैं। मिलते ही सुपाइया, जैसी मिले स्वामी जी को बड़ा सुख हुआ, सबको प्यार दिया, समझाया कि देखो हम लोगों ने जो राजी से खेल मांगा था वही हमें राजी महाराज दिखा रहे हैं। इन सुंदर साल ने श्री जी के चरणों में आत्मा सौंपी थी। इस समय उदयपुर के बीच में चर्चा स्वामी जी खूब चर्चा कर रहे हैं, उदयपुर में बहुत जागनी हुई, दर्शन रात को हो गई, श्री जी का दर्शन सबको होता है, बड़ा रोशन हुआ जहूर, बड़ा वहाँ पर कहते जहूर माने प्रकाश, ज्ञान का फैलाव, बहुत जागनी हुई। साल अहेर का आया, एक गांव था अहेर पास में, वहाँ के कितने सुंदर साथ आए, एक मोटी बाई आई है, मस्करी राज जी से करती मोटी बाई, खुशखबरी, ऐसा सुख ऐसा ज्ञान, ऐसी चीज मिली है, बड़ा खुश होती है। बात सुनी तो वहाँ उदयकरपुर का जो राणा था उसने ये बात सुनी, क्या सुनी है, अपनी मजलिस में कि यहाँ एक संत आए हुए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बड़ी जमात लेकर बैठे हुए हैं, आप भी जाकर के दर्शन करो, ऐसा कहा लोगों ने। नित लोग आए कहें,
कोई बड़ाई करता है कोई बुराई करता है, रोजाना ऐसे कहते हैं। अस्तुत निंदा ये सुने, राजा सुनता है, कोई कहता बड़े संत हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं, ऐसा ब्रह्म ज्ञान तो आज दिन तक कोई बता ही नहीं पाया। कोई कहता राजन ये तो ठग हैं, अभी हमने देखा ये वहां से आए थे दिल्ली की तरफ से, ये मुसलमान थे, दाढ़ी मूछ कटवा करके सब और माला तिलक पहन लिया, हिंदू मन गए ये मुसलमान है। कोई ऐसी बुराई करता है, कोई तो कहता नहीं बहुत पहुंचे हुए संत है, इनके अनंत लोचन, किसी प्रकार का ज्ञान इस संसार के अंदर से छुपा नहीं है। हाँ कोई कही ये ठग है, कोई कहते तो ठग है, हाँ ये वेश धारण करके आए थे उधर से और यहाँ के हिंदू बन गए, माला पहन लिया, तिलक लगा लिया, ये तो मुसलमान है। कोई कहे मुसलमान है, हाँ कोई कहता राजन ये मुसलमान है, सुल्तान भेजे हैं सुल्तान, जब वहाँ गए थे तो कहते किसी राजा के भेजे हुए दुश्मन है, यहाँ आ गए राजा के पास में तो लोग कहते हैं कि सुल्तान ने भेजे तो मैं मुसलमान बनाने के लिए, ये हिंदू बन करके आ गए तो मैं कब्जे में करेंगे, ऐसा कोई कहता है। तुमको मुसलमान करने, तुमको मुसलमान करने के लिए वचन भी पहचान, जब पहचान नहीं है पता नहीं है कि कौन है ये, ऐसे लोग निंदा करते हैं। कोई कहे कुरान पढ़ते हैं, कोई कहते नहीं मानते तो जाके देख लो इनके पास कुरान है, ये कुरान को पढ़ते हैं। कोई कहते नहीं भाई वेद भी इनके पास हमने देखे, ये वेद भागवत से भी चर्चा करते हैं, इस प्रकार कहते राणा के आगे रोज निंदा कोई न कोई करता है, बात माने इनकी कमी बताते हैं। राणे पंडित भेज दिया, राणा ने चार ब्राह्मणों को भेज दिया कि जाओ पता करो उनसे शास्त्रार्थ करो, पता चल जाएगा ये हिंदू है या मुसलमान। राणा ने चार पंडित भेज दिए, जाकर के तुम देखो चर्चा करके कैसी चर्चा होती है, कैसी चर्चा करते उनसे जाके पता करो, सुनाओ सारी खबर हमें आके सुनाओ। वो तो आए पेटार्थू, वो तो पंडित थे, वो तो पेटार्थू थे, उसको तो उनको पैसा मिलता था राज दरबार से, वो ब्रह्म ज्ञान को क्या जाने, इनो आत्म का परिचय नहीं, क्योंकि ब्राह्मण विद्या वो पढ़ता है जो दुनिया की कमाई हो। एक संत ऐसा होता है जो ब्रह्म ज्ञान को पढ़ता है, अपने कल्याण के लिए उद्धार के लिए ज्ञान ढूंढता है संत है। पर ब्राह्मण वो विद्या पढ़ता है जिससे हमारी कमाई हो, हमारा धंधा चले। तो ये तो आए पेटार्थू, तो चर्चा हुई, जब शिव जी के साथ आए स्वामी जी ने चर्चा करके समझाया तो बहुत देखिए भाई तो बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान है, ये तो वेद पुराण से ऊपर की बात बताते हैं। ऐसा देखा जब पंडितों सलाह करी कि हम राजा को क्या कहेंगे जाके, अगर हम कहेंगे राजा राजन बहुत बड़े हैं, हमारा ज्ञान तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, तो जो हमें राजा रोज तनख्वाह देता है पैसा देता है वो नहीं मिलेगा, इनकी हम लोग चल बुराई करें तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये यहाँ रह गए राजा से मिल गए ना तो हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। और 40 प्रश्न भागवत के, 15 वेदांत के सुनाए, 40 भागवत के सुनाए उनको पंडितों को, तो वो तो हैरान हो गए। जब कहते ना जब कुछ नहीं था संसार में, 5 तत्व नहीं थे, 3 गुण नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब क्या था, ऐसी ऐसी बातें सुनाई। और एक अंडा कहते हैं करोड़ों वर्ष तक जल में तैरता रहा, तो जब 5 तत्व नहीं थे तो जल क्या था, वो अंडा क्या था, किसमें तैरता रहा। स्वामी जी कहते अक्षर को बिलसो मन तामे महाविष्णु मन, अक्षर ब्रह्म का मन अंदर अंदर विलास करता रहा कि अक्षरातीत के मोहर में प्रेम विषय बरतत, जो वहां लीला होती उसके हमें दर्शन कैसे होंगे, वही उसका मन अंडा रूप में बिलसता रहा और उसी में जाकर के फिर क्या कर लिया, नारायण रूप धारण कर लिया, अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप नारायण भगवान बन गए। ऐसे ऐसे प्रश्न थे 40,
उनको सुनाए पंडितों को तो हैरान हो गए सुन के। इन प्रश्नों की हमको स्वामी जी ने कहा इन प्रश्नों की हमको हाँ देखो आप पंडित जी हैं, आप शास्त्र के ज्ञाता हैं, तो इन बातों को हमें समझा दो। जवाब ना आया उनको, उनको जवाब नहीं आ सका किसी बात का, उत्तर उत्तर नहीं दे सके। तब सब पंडित मिलकर के विचार करने लगे, फिकर करने लगे थे। ये तो बुरी बैरागी, ये तो महात्मा बहुत बड़े भाई, ये तो हमारा धंधा मार देंगे। हम जो दुनिया को कर्म कांड करवाता हूँ, अपना धन कमाता हूँ, ये तो हमारी रास्ता मारेंगे, हमारा मारेंगे रोजगार, हमारा जो रोजगार है हम कर्म कांड करवाते सबसे, तो हमारे से कौन करवाएगा। जो ऐसा ब्रह्म ज्ञान मिल जाएगा इंसान को, तो सब पंडितों ने विचार किया कि इन महात्माओं के हम लोग चल के बुराई करेंगे राजा से, सब मिलो खबरदार, सब खबरदार हो जाओ हमें, इनका वर्ण ब्राह्मण है। तो स्वामी जी कहते भाई इनकी गलती नहीं है, इनका बड़का ब्रह्मा, ये ब्रह्मा के औलाद माने जाते ब्राह्मण, इसलिए इनका जो बड़े ब्रह्मा जी थे सो जब गर्भ अस्तुति करी, जब देवकी से गर्भ में श्री कृष्ण थे मथुरा के अंदर, तब ब्रह्मा जी ने गर्भ में देवकी के गर्भ में जाके प्रार्थना करी थी कि प्रभु जल्दी अवतार धारण करो, पाप को हरण करो। और जब श्री कृष्ण गोकुल में आ गए, लीला करने लगे, तो ब्रह्मा भूल गए कि मैंने गलती करी, ये परमात्मा नहीं है, हम तो इसकी परीक्षा लूंगा। बच्चे इसको घोड़ा बना के चलते हैं, बच्चों की जूठन खाता है, ये परमात्मा हो ही नहीं सकता। इनका बड़का जो ब्रह्मा था सो फिर परीक्षा लेने के लिए आ गया था। क्या किया तो उसने गऊ मछली सब हरण कर लिए थे, ग्वाल बाल श्री कृष्ण खेल रहे थे, गऊ मछले सब हरण करके ले गया। तो श्री कृष्ण ने फिर गऊ मछले अपने शरीर से सब बना दिए थे, किसी को पता नहीं चला। श्री कृष्ण ने कहा वो दूर चली गई, मैं ढूंढ के ले आता हूं, आप लोग यहीं रहो। उधर गऊ मछलों को जाके गऊ मछलों के लिए अपने शरीर से सब गऊ बछड़े बन गए, जो जिसकी उम्र थी, जितना जैसा रंग था, वो सब बन गए। घेर के ला रहे उधर से, इधर आके देखा तो ब्रह्मा जी को मौका लगा, ग्वालों को उठा ले गए, ग्वाल बालों सबको उठा ले गए। अब यहां आया देखा तो अरे ब्रह्मा जी तो ग्वालों को भी ले गया, तो अपने शरीर से सब ग्वाल बाल बन गए। वैसे ही रंग, उतनी उम्र, वही नाम, सब यहां तक भागवत में आता है कि श्री कृष्ण ने जो ग्वाल बाल घर से लाठी ले गए थे गऊं चराने के लिए, और लाठी का भी रूप धारण कर लिया। साल भर हो गई, उसी तरह गऊं चर रही, ग्वाल बाल खेल रहे हैं सब। ब्रह्मा जी ने सोचा आप देखें क्या हाल होगा, आकर के वहां देखते हैं तो सब खेल रहे हैं, गऊं चर रही हैं, अपने ब्रह्मलोक को देखते तो वहां सब बंद पड़े हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती करी। तो श्री कृष्ण के साथ ग्वाल बाल कलेवा कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी कौआ बन करके दूर आके बैठ गए कि इनकी जूठन मिल जाएगी तो मेरा पाप प्राश्चित हो जाएगा, मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया। श्री कृष्ण जान गए कि ब्रह्मा जी बैठे कौआ बने। श्री कृष्ण ने कहा देखो भाई, हम भगवान का भोग लगा के खाते हैं, इसलिए जूठन नहीं पड़ना चाहिए, जूठन पड़ेगी तो बहुत बड़ा पाप लगता है, जूठन नहीं छोड़ी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि जमुना जी में खुल्ला करेंगे तो वहां जूठ पड़ेगी। श्री कृष्ण जान गए ब्रह्मा जी मछली बन गए, तो ग्वालों को चरणों नहीं करने दिया। ब्रह्मा जी हार करके श्री कृष्ण के चरणों में आके पड़ गए कि प्रभु मुझे माफ कर, तो मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो जो सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को लीला को नहीं जान सके, तो आज का कामी पुरुष श्री कृष्ण को जान लेगा क्या? नहीं जान सकता, उसके मन में दुर्भावनाएं आएंगी कि गोपियों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। उस परमात्मा की लीला को कहते हैं
ब्रह्म भी नहीं जान पाए, जब गर्भ में पहचान लिया, गर्भ में जान लिया था कि परमात्मा का अवतार होना है, भूल गया बाहर, बाहर जब उनकी लीला देखी भूल गया, सो भूल आज लो, वही भूल सबके अंदर ब्राह्मणों के अंदर आज दिन तक चली आ रही, सब में बैठा है कि नहीं पहचान पाते परमात्मा को। दूसरे एकादशी स्वर, अब दूसरा स्वामी जी दृष्टांत देते हैं कि मथुरा में जो चौबे थे वो यज्ञ कर रहे थे, करते थे जगाते, यज्ञ कर रहे थे, तो एक दिन क्या हो गया, ग्वाल बाल कोई भोजन नहीं ले गए, तो ग्वालों ने कहा श्री कृष्ण आज हम लोग कुछ नहीं लाए खाने के लिए, अब भूख लगी कुछ इंतजाम करो। श्री कृष्ण ने कहा ऐसा करो, पास में मथुरा है ना, ये चौबे लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनसे जाके कहो कि भगवान श्री कृष्ण ने भोजन मांगा है दे दो जाओ। अब दो तीन बच्चे चले गए, वो तो अपने ओम स्वाहा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उनको जाके बोला भाई भगवान श्री कृष्ण ने भोजन मांगा उनके लिए भोजन दे दो। पर तो नीचे से ऊपर तक देखा, बेचारे ग्वालिया थे, गंदे कपड़े पैर भंडे हुए, उनका भाग जाओ पागल कहीं से, हमारा यज्ञ पूरा हुआ नहीं और तुम्हारा भगवान आ गया वहां पर भोग मांगने के लिए, चल जाओ। धमका दिया बेचारे, चुपचाप चल दिए। श्री कृष्ण के पास पहुंचे, वो जाके खा उन्होंने फटकार दिया कि भाग जाओ हमारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ, तुम्हारा भगवान आ गया उनको भोग दे दो। श्री कृष्ण ने कहा ऐसा करो, तुम अंदर जाओ शहर में मथुरा में चले जाओ, वहां पंडितानी बैठी ना, उनको जाके बोलना कि माता जी श्री कृष्ण परमात्मा ने भोजन मांगा है, उनके ग्वाल बाल आज भूखे हैं, जाओ ऐसा कहकर दे देंगे। वहां चले गए शहर में, जब वहां जाके कहा पंडितानियों को, वो तो बहुत खुश हो गई कि धन्य भाग, हम तो दर्शन करने के लिए तरसती थी और आज भगवान ने भोग मांगा है। एक दूसरे को घर में सबको खबर कर दी, फटाफट कढ़ाई चढ़ा दी, मिठाई पकवान तरह तरह के बना करके बोले बेटा तुम चलो हम लेके आ रही हूं। वो चले गए, अब टोकरी में रख रख करके सब ब्राह्मणी ले जा रही, लाइन लग गई, रास्ता वही थी जहां पंडित लोग यज्ञ कर रहे थे। अब वो देखते बोल सकते नहीं, वो जा रही सब, एक पंडितानी जा रही, पंडित कहता हम्म, अब वो भी कहते हूं तुम बैठे रहो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रही। और वो अन्न मांगा उन पर जाके पहचाना इनकी स्त्रियों ने, हाँ तो पंडितानियों ने पहचाना था, वही शोभा जुटते ने, उनको शोभा मिली, राजी महाराज ने श्री कृष्ण परमात्मा ने उनको वरदान दे दिया कि जाओ तुम घर में ही मौज करोगी और पंडितों को श्राप दे दिया तक तुम भटकते रहोगे, ऐसा हो गया था। तो आज भी जो ब्राह्मणी होती है उनके हमारे इलाके में पहचान है कि वो जब घर से निकलेंगी तो 100 लोड़ के निकलेंगी, ये पहचान है उनकी, उनको शोभा मिली। ये आज ब्रह्मांड में, आज दिन तक इस ब्रह्मांड के बीच में चर्चा होती आगी मोमेद, ये सुंदर साथ के आगे चर्चा होती है। अब तीसरी और बता रहे, स्वामी जी कहते उदयपुर के ब्राह्मणी की गलती नहीं है, तीसरा दृष्टांत दे रहे भृगु भड़काइंद का। भृगु ऋषि थे, ब्राह्मण थे, वो परीक्षा लेने गए कि तीनों देवों में से बड़ा कौन है, तो शिव जी के पास गए, उन्होंने कहा जाकर के अरे यहां बैठा है पार्वती को गोद में लेकर के, तुझे पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। ब्रह्मा शिव जी को क्रोध आ गया, त्रिशूल उठाया, पार्वती ने मना कर दिया नहीं नहीं ब्रह्मा जी का पुत्र है मारो नहीं, वहां से चल देते प्रभु। ये फेर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी को ऐसे जाके कहा, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, वहां से भृगु ऋषि चल देते कि तुम भी फेल हो। विष्णु भगवान लेटे हुए थे शेषनाग के सैया पर, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, एक लात जाके छाती मार दी भृगु ऋषि ने,
यहाँ कामी बन करके पड़ा हुआ है, पता नहीं संसार में क्या हुआ। भृगु ने उठ करके ऋषि का पैर पकड़ लिया, भृगु ऋषि का, बोले महाराज आप ऋषि हैं, आपका पैर कोमल है, मोच आ गई होगी आपके पैर में, हमारी छाती तो कठोर है, मैं तो बहुत राक्षसों को मारा है इसलिए हमारी कठोर छाती है, आपको चोट आ गई होगी। भृगु ऋषि का पैर पकड़ने लगे, पैर पकड़ लिया, तो भृगु ऋषि ने कहा कि पूजा के लायक ये है, तो ये तो उनकी गलती नहीं है ब्राह्मणों की, इनके शुरू से खानदान में ये परीक्षा ही लेते रहे, लात मारी छाती भगवान के छाती में लात मारी थी इनकी नसल, और उन्हीं ब्रह्मा जी की नसल ये ब्राह्मण हैं जो स्वामी जी की बुराई कर रहे हैं, नसल मापक पहचान, नसल मापक पहचान हो रही है, इन्होंने जाकर के राणा के आगे क्या कहते हैं, राणा के आगे निंदा करने लगे कि महाराज किसी का काम के, राजन ये महात्मा किसी काम के नहीं, इनका ज्ञान का कुछ पता नहीं, इनको यहाँ से भगा दो, बेकार यहाँ पर भीड़ कर रखी इन्होंने, तो देखिए इनको नहीं देखना, इनके दर्शन करने नहीं जाना, तो बेकार है। और दूसरा अंकुर राजा का अंकुर नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों की बात को मान लिया, वैसी बुद्धि आती जैसा अंकुर हो, इस वास्ते राणे को कहते हैं उसको पहचान नहीं हो पाई, जो करते करते कहते हैं राणा गया था ताल पर, ताल पर जाके स्वामी जी शहर के बाहर अपना जमा रखा था डेरा, सुंदर साल भजन कीर्तन कर रहे थे, सत्संग हो रहा था, स्वामी जी भी वहाँ पर जाते हैं, भाई युवराज है, स्वामी जी है, कहा जाकर के हवेली में डेरा किया है, चर्चा को अब जनता आती चर्चा सुनने के लिए श्री जी की, बड़ा आनंद बरस रहा है, समय अवगुण साथ के, इस समय स्वामी जी ने देखा कि जो बड़े बड़े आदमी हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और छोटे बेचारे गरीब सुंदर साथ हैं, उनको कहते जाओ पानी ले आओ पीने के लिए, ऐसा काम कर लो, तो स्वामी जी ने कहा कि हमारे साथ रह करके अगर ऐसा छोटे बड़े का भाव है तो फिर फायदा क्या, अरे गुरु के स्थान पे फैसला मिलता है, और गुरु के स्थान पे जाकर के ऊंच नीच का छोटे बड़े का भाव है तो फिर और कहां जाके फरियाद सुनी जाएगी, इसलिए स्वामी जी के मन में आया कि ये सुंदर साथ जो हैं बड़े बड़े आदमी ये आपस में कहते गरीब आदमी सुंदर साथ उनके लिए क्या करते हैं, स्वामी जी हिसाब लेने लगे, सब सुंदर साथियों पर स्वामी जी ने खंडनी करी कि सुंदर साथी तुमने घर परिवार छोड़ दिया, जमीन जायदाद छोड़ दी, फिर भी मान बड़ाई में पड़े हुए हो, ऐसा कहने लगे, जो रूई इनके पाव, इनके ऊपर स्वामी जी ने खंडनी करी, देश बदलाए सबन के, स्वामी जी ने कहा भाई हमारे साथ रहना है तो एक देश में रहोगे, सबको वेश बदला दिया, जो भी पैंट सूट पहनते तो उन्होंने इसको उतार के फेंको, अचला बांधो, साधु का भेष धारण करो सब लोग, ऐसा सबको भेष बदलाया है, आनंद में कहते शर्मनी जो होते हैं वो पहनाई है, और साथ सब फकीर, एक एक करमंडल दे दिया, माला दे दिए गले में, एक एक झोली दे दी सबको, ऐसा कहते भेष बदलाया, कपड़े नहीं रंगाए थे, कहीं नहीं आता अभी तक सुन लेना कि कपड़े रंगवाए थे, भेष बदलाया क्यों, हम वैष्णव हैं, वैष्णव की ड्रेस सफेद होती है, ये लाल कपड़े तो सन्यासियों के होते हैं, इसलिए स्वामी जी ने कहते हैं सबको भेष बदलाया है, तो मोमिन सुंदर साथ को दिया, एक एक झोली दे दी, एक एक सुमरनी दे दी, गले में माला पहनवा दिए, और अचला कहते धोती बंधवा दी, आप कितने तो तैयार नहीं हो रहे थे इस भेष धारण करने के लिए,
पर स्वामी जी ने कहा भाई हमारे साथ रहना है तो ऐसा रहना पड़ेगा, नहीं तुम अपने सेठ हो ना अपने घर जाओ। इसलिए रोधो राजी हुए, रोधो करके फिर वेश धारण किया है, एक दूसरे को सकल देख के हंसते हैं, खुशी होते हैं। तारे अपने अवगुण, अपने अवगुणों को निकाला है, जमराज राजी का जोश लेकर के अपने अवगुण निकाल दिए हैं। इन समय दया, क्योंकि हम ज्यादा अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे ना तो सेवा करने में झिझकेंगे कि यार कपड़े खराब हो जाएंगे। नर कपड़न को डरत है पर नरक जान को ना है। कपड़े में खराब हो जाए इसलिए डर लगता है सेवा करने में, पर नरक में जाना पड़े उसका डर नहीं है। तो यहाँ पर स्वामी ने सबको फकीरी वेश धारण कर दिया। चंचल और गंगाराम है और बनारसी आए हैं, पहुंचे स्थान वो भी यहाँ पर श्री जी के चरणों में आए, सूरज से मोहन चतुर बजाए हैं, वो भी आके श्री जी के चरणों में आए और कितने सुंदर साथ आए उदयपुर में, जिन्होंने श्री जी के चरणों में आत्मा सौंपी थी वो चल चल के आते हैं दर्शन करने के लिए। इस समय एक पठान था सौदागर के, जो इनायत खान उसका नाम था, दूसरा मुराद खान आया है, एक अब्दुल नबी आया है और अल्लाह दाद खान आया है और यार खान आया है, इलियास खान आया, आबा बकर आया है, मीन खान को पहचान हो गया हमारा खुदा का स्वरूप है, उस्मान हसन खान आए हैं और अहमद खान आए हैं। ये दर्शन के लिए आते हैं। लोग ये कहते हैं कि तो इमाम मेहदी है, तो हम भी चल कर देखें भाई इमाम मेहदी को, इसलिए दर्शन के लिए आए श्री जी के। अव्वल खान को भी पहचान, अव्वल खान को पहचान हो गई थी कि हमारा खुदा का स्वरूप यही है। दीदार पाया रामे, दीदार स्वामी जी के दर्शन करे थे अव्वल खान ने, घोड़े पर अश्वारे, स्वामी जी घोड़े पर चलने लगे, तो उम्र हो गई काफी, पैदल इतना चलना मुश्किल होता है, तो एक घोड़े पर चलते हैं, आगे चले हुए चले, आगे सुंदर साथ सब चलते थे, बैरागी थे खबरदार, बैरागी आगे चलते हैं। अव्वल खान पूछिया, अव्वल खान पूछिया, अव्वल खान में पूछ रहे हैं जो है मोहम्मद नूर, जो है मोहम्मद नूर, नूर मोहम्मद को अव्वल खान पूछ रहा है, क्या कहता है, मोको खबर तुम दे, मोको खबर दो, मुझे पहचान कराओ, बैरागी का मजबूर, सब कहते ये खुदा का स्वरूप है, तो इनकी पहचान कराओ कि तुमने कैसे मान लिया कि खुदा है, कुछ पहचान तो बताओ, जो तू छुपाएगा मुझको, अगर तू मेरे से बात को छुपाएगा तो होगा दामन की, तेरा दामन खुदा के सामने पकड़ूंगा, कि इसको पहचान हो गई कि खुदा के, लेकिन इसने हमें बताया नहीं, इसलिए खुदा के सामने तू गुनहगार होगा, हमसे छुपाना नहीं, बताओ इनकी पहचान बताओ, ये कौन है कहाँ से आया, ये कौन है कहाँ से आए हुए हैं, ये कैसा फकीर, कैसे फकीर है जिनको खुदा मानते हैं। तब नूर मोहम्मद ने कहा, तब नूर मोहम्मद क्या कहता है, शामिल दीन इस्लाम, ये तो कुरान भी पढ़ते हैं, वेद सात भी पढ़ते हैं, इनके पास कलमा भी है, तारतम भी है, कलमा कुरान के पास में है, ये सबको जगा रहे हैं, सब रूहों को उठा रहे हैं, कब्रों से मुर्दों को उठा रहे हैं, ऐसा कहने लगा, ये तो हकुल आकिम था, ये तो हकुल आकिम था, जो सुनते आया ईमान, ऐसा कहा तो वो सुन करके ईमान ले आया है, श्री जी के दर्शन को आया, अपनी पहचान कर दी है, अपने हाथ लेके, तो स्वामी जी तो घोड़े पर चल रहे थे, स्वामी जी के हाथ से अपना चाबुक ले लिया उसने, अपने शरीर पे मार रहा, कि इतने दिन हो गए मैं पहचान नहीं पाया इनको, ये खुदा का स्वरूप था, अपने आप को धिक्कारता है वो, तो मने किया चिल्ला दे, तब स्वामी जी ने मने किया उसको, आए बैठो हमारे संग, अरे भाई क्यों मार रहा अपने आप को, हमारे पास बैठो सत्संग सुनो, वहाँ पट का काम चले, तो वहाँ बैराज पट का नक्शा था,
वो स्वामी जी का काम चल रहा था, श्री राम जी बैठ करके लिखा रहे थे बैराटपुर का नक्शा, मुकुंददास देखभाल के लिए था बैठा था, इन्हीं काम के लिए बैठा था। अब आए पठान मिलके, वहाँ उदयपुर के पठान मिल करके आते हैं, दर्शन करने को आए। अब श्री जी महाराज चर्चा कर रहे हैं, सवाल किया परवरदिगार। एक पठान ने सवाल किया, क्या सवाल किया है? हमारे तुम कहो, हमारा तुम कलमा का अर्थ बता दो मुझे। कलमा का मैं अर्थ सुना दो, तो मैं आपके हो जाऊंगा, मैं कलमा का भेद खोल दो। इतने चाहता था पठाने। इस समय स्वामी जी को राज्य का जोश आया, स्वामी जी को जोश आया, जब मेरे मोहम्मद बीच में मोहम्मद साहब के जो कुरान है और हमारे बीच में कौन सी ऐसी बात जो शंका रह जाए, हम तो एक ही हैं दोनों, ऐसे करने लगे। कौन शंका करे, सब बड़ा अफसोस की बात है। अब्बल खान का उसकी रूह पर उसको भी जबराए ला गया, जो देख काफर डरे। वो जो पठान आए थे मिलकर के स्वामी जी के पास में, ऐसा जोश देख करके वो काफर लोग पठान डर गए, शोर करने लगे, उठ करके खड़े हो गए। जान गए कि ज्यादा बात विवाद करूंगा तो ये मुझे मारेंगे। उठ करके सारे पठान खड़े हो गए, विदा मांगी सबने स्वामी जी से, विदा मांगी स्वामी जी, ठीक मैं मान गए आप खुदा के स्वरूप हैं। ऐसे जान छुड़ा करके घर में जाके हल्ला मचाते हैं, निंदा करने लगे कि बड़ा बैरागी यार, बहुत चमत्कारी है ये, तो जो भी प्रश्न पूछते हैं उसका जवाब फटाफट मिलता है। ऐसे वो निंदा करने लगे। एक दिन सुंदर साथी भजन कीर्तन बोल रहे थे, राणा दर्शन करने के लिए आया, सुंदर साथ कीर्तन बोल रहे थे, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, सब सिंगार कुशोभा दे मेरा दिल बांध्या तुझ सो। ऐसे सुंदर साथ वहां पर चर्चा भजन कीर्तन सत्संग में मस्त थे, तो राणा भी दर्शन करने के लिए आया। जब मुंह छिपाए खड़ा रहा, क्योंकि लोगों ने कह दिया था कि इनके पास घुड़की भी है, जो भी इनके पास जाता है इनके चेले डाल देते हैं। तो मुंह छुपाए खड़ा रहा, दर्शन तो करने गया पर मुंह छुपा करके किया है। तो रास की चर्चा वाणी सत्संग भजन कीर्तन सुने जब ब्रज के लीलाओं के, क्या करे, उतना अंकुर ही था उसको। परमात्मा स्वरूप उसके राज में बैठे हैं पर चरण स्पर्श नहीं कर सका, उसका अंकुर नहीं है, उतने उसको फल मिला है। आज्ञा जब तक जी तब तक वहाँ रहे हैं, उतनी आत्मा निर्मल होती है। इनों के दिल में, राजा के दिल में शंका थी, क्या थी? अब्बल खान ईमान ले आया है, इनसे मस्करी करे पठान लोग, मस्करी करते अब्बल खान से, इनको पूरी पहचान, इनको पहचान हो गई तो खुदा को पा लिया, खुदा को जान गए तो जन्नत में पहुंच चुका। ऐसे मुसलमान पठान मस्करी करते उसके अब्बल खान से। इस समय एक अमरा जी थे, अमरा जी ईमान ले आया है, एक राम सिंह थे वहाँ पर, इनको भी श्री जी की पहचान हुई कि ये तो वाकई में परमात्मा के स्वरूप है। ऐसा उसको पहचान हुई, और भोगी दास है, दर्शन करने आए, मीठी मने बड़ी प्यारी चर्चा लगी भोगी दास को, पहचाना परवरदिगार, ने
पहचान लिया कि ये परमात्मा। परमहंस लालदास कहते हैं, प्यारे सुंदर साहब जी, ये तालाब करो याद, उदयपुर का तालाब याद करो। स्वामी ने सबको फकीरी भेष बना दिया, सबको एक ड्रेस में कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब बराबर है, क्योंकि ये दरबार है, यहाँ सबको एक दृष्टि से देखा जाता है, सबका एक भाव होता है, सबका एक गुरु होता है, सबकी सेवा समान होती है, कोई कुछ करो, ऐसा कहते हैं। फिर उदयपुर की ओर बताएंगे, जो भी तक बुनियाद। फिर स्वामी जी शहर में जब पहुंच जाते हैं, अभी तो बाहर थे, फिर शहर में पहुंच गए, उदयपुर प्रसन्न फिर वहां से आए उदयपुर। वहां से पहले बाहर थे शहर के, तालाब के पास अपना डेरा जमा रखा था, फिर स्वामी जी सुंदर साहब का आग्रह हुआ, बहुत प्रणामी बन गए, तो उदयपुर के बीच में जाकर के हवेली में ठहरे हैं, हवेली में जाके उतरते हैं, सब सुंदर साथ आके स्वामी को मिलते हैं, सुख पाया मिलाप से। जो दिल्ली में सुंदर साथ रह गए थे दयाराम इत्यादि, वो आकर के अब स्वामी जी को मिलते हैं। इस समय गोवर्धन भट्ट जो थे सो सूरत से श्री जी के पास आता है, अपनी पत्नी को लेकर के आए हैं, उनको साथ में लाए, ये दो कदमों लगे आकर के श्री जी के चरणों में लगे हैं, सिंगम साहब के दर्शन करे, मिलाप किया है, बातें सुनी। फिर बातें सुनी कि औरंगजेब के पास कैसे गए थे, क्या क्या उन पर बात विवाद हुए, झगड़े हुए, सारी बातें सुनी है, श्री जी आप चर्चा करते हैं। इस समय बादशाह ने, औरंगजेब बादशाह ने क्या किया है, उदयपुर के राणा के ऊपर चढ़ाई कर दी कि या तो मुसलमान बन जाओ या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसी चढ़ाई कर दी। अजमेर से भेज दिया। अजमेर खबर करी मथुरिया को, और वहां से अजमेर से भेजते हैं मथुरिया जाके कहा, खबर पहुंचाई कि जाके राजा को कह दो, उदयपुर के राजा को, या तो मुसलमान बन जाओ नहीं लड़ने में तैयार हो जाओ, महात्माओं को पकड़ा दो, ऐसी खबर भेजी है। आओ मेरे दीन में, हमारा सबसे बड़ा दीन है, इसमें शामिल हो तुम्हें, तुम ईमान ले आओ, खुदा को परे, पांच परगने क्यों तुझे, पांच तहसीलें तुझे बख्शीश कर दूंगा, पांच तहसीलों को तुझे बादशाह बना दूंगा, अगर तू मुसलमान बन जाएगा तो, जो मुसलमान हो जाएगा, अब मथुरिया ने गरीबदास जो राजा का पुरोहित था, उसने मथुरिया ने गरीबदास से आकर के कहा उदयपुर में, आज्ञा करी कि अपने राजा को कह दो कि बादशाह की फरमान है, आप मुसलमान बन जाओ, पांच तहसीलें आपको बख्शीश कर दी जाए, वहां का बादशाह बना दिया जाएगा, ऐसे जाकर के कहा है। अब वो जो गरीब दास था, पुरोहित था राजा का, उसने जाके राजा को कहा कि बादशाह ने ऐसा ऐसा कहा भेजा है, कानून जाके कहा कि राजा पांच तहसील ने बादशाह देगा, आप मुसलमान बन जाओ। सुनते ही रेस करे, राजा के एकदम क्रोध आ गया कि तू हमारा पुरोहित है, ब्राह्मण है, मुझे ऐसी बात सुना ना कि तुम मुसलमान बन जाओ, मुझे मरना मंजूर है पर मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, ऐसे कहा। मैं तुझे छोड़ता नहीं, पर क्या करूं, तू क्या करे, तू पंडित है हमारा, पुरोहित है, नहीं ऐसी बात हमें सुनाने आया, हम क्षत्रिय है, मरना मंजूर है, पर मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, यहाँ से भाग जा, हमें ऐसी बात सुनाने आया, दूध को धक्के दे दो,
ये मथुरिया को भी धक्के दे दो, ये अभी ऐसी बात लेके आया हमारे पास में, ऐसी बात सुनावे तारे, ऐसी बात हमें सुनाने आया कि मुसलमान बन जाओ। दलीर हुआ दिल सो, बड़ा दुखी हुआ राजा, मन में बड़ा गुमान, मन में गुमान था कि लड़के मरूंगा पर बादशाह मुसलमान नहीं बनूंगा। तो उसने जाकर के मथुरिया जाके खबर पहुँचा दी बादशाह कि राजा तो कहता है कि मैं लड़ लूंगा लेकिन मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। अब यहाँ खलबड़ पड़ी पूरे शहर में कि औरंगजेब बादशाह की फौज आएगी तो यहाँ बहुत जुल्म करेगी। इस समय दज्जाल ने क्या किया, बड़ा शोर किया है। स्वामी जी ने खबर भेजी राजा को कि राजन तुम घबराना नहीं, हम साथ तुम्हारा देंगे। अरे औरंगजेब कहता तो मुसलमान बन जाओ, पहले खुद मुसलमान बन के दिखाए हमें कि मुसलमान के लक्षण क्या होते हैं, मुसलमान किसको कहा जाता है, खुद पहले मुसलमान बन ले फिर हमें बनाए। तुम घबराना नहीं राजन, हम आपका साथ देंगे। ऐसा स्वामी ने खबर पहुंचाई, हम रद बदल उसको करेंगे। नजीब कयामत का समय आ गया, कयामत का समय आ गया है। स्वामी जी ने खबर पहुंचाई राजा को कि कह दो राजा जाके तुम कुछ नहीं बोलना, पहले खुद मुसलमान बन के दिखाए, हम बात करेंगे उससे, हम उसके साथ रद बदल करेंगे। किस रास्ता में दीन की वो क्या जाने, मुसलमान किसको कहा जाता। स्वामी जी वाणी में कहा ना, भली बुरी किनकी नहीं डरता रहे सुभान, अरे सोबत खूनी की ना करे दीन मुसलमान। कसनी ले बे आपसे साफ रोजे रमजान, रात दिन यही जोश में दीन मुसलमान। मुसलमान किसको कहा जाता है, पहले खुद मुसलमान बन के दिखाए हमें, फिर हमें मुसलमान बनाया करके। ऐसा स्वामी जी ने कहा, राजा को खबर पहुंचाई, ये राजी के हुक्म के नीचे आएगा उसको आने तो दो। ये बात राणा ने सुनी कि साधु महात्मा जो ऐसे कह रहे तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। हम ऐसे दीन नहीं पाते। तो राजा ने खबर पहुंचाई कि उनके कह दो महाराज जी से हम ऐसे नहीं पात्र, वो तो सम्राट है, लाखों की फौज चढ़ा देता है, हम तो छोटे छोटे राजा, हम ऐसे पात्र नहीं जो उसके साथ मुकाबला कर सकूं। जो रद बदल करे जो दर्द के साथ उसके झगड़ा करूं, ऐसे नहीं हमारे गात, हमारे गात नहीं, हमारी इतनी फौज नहीं है, हमसे बोध पादशाह, हमसे बोध पादशाह होगा, उस बादशाह का बोध हमारे से नहीं उठाया जाता, उठाया जाए नहीं उठाएंगे। वो जिसके ऊपर चढ़ाई कर देता है लाखों की फौज चढ़ा देता है, ये छोटे छोटे राजा है क्या करें बेचारे। हम सुनते बात डरते हैं, हम सुनते ही डरते हैं, हमसे ना कोई उपाय, ये मेरे से नहीं होगा। तब हजूर दज्जाल था, तब कौन थे वही पंडित थे जो स्वामी जी से हार के आए थे, वो हजूर बैठे थे पंडित थे, वो निंदा करने लगा कि राजन मैंने तुम्हें पहले कहा था ना ये मुसलमान है, दिल्ली की तरफ से आए हैं तुम्हें मुसलमान बनाने के लिए, अब वही समस्या खड़ी हो गई ना हो गई। ऐसे वो बुराई करने लगे श्री जी की, अब आ गई तुमसे कही, हम पहले तुमको बताया था, वो करने लगे शोर, शोर करने लगे, इन महात्माओं को भगा दो, ये महात्मा बन करके आए मुसलमान यही तुम्हें पकड़ेंगे, ये कहते हैं कि तुम चिंता ना करो हम तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा वो लोग निंदा करने लगे हैं, निकाल छोड़ो इनको, इन महात्माओं के यहाँ से भगा दो, कोई कहे लूट लो तुम, कोई कह रहे इनको लूट लो, ये कौन ब्याह शादी करते हैं, बहुत धन इकट्ठा कर रखा होगा, लूट लो इनको, ऐसा कोई कहता है। राणा सब सुनता है पर हुक्म नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। राणा भीमसेन पास था, भीमसेन बैठा था राणा के पास में, सुनी बातें, जब भीमसेन ने ये बातें सुनी कि लोग कह रहे हैं कि महात्माओं को भगा दो, कोई कहता महात्माओं को लूट लो, ये बात सुनी जब भीमसेन ने, उसने भीमसेन ने कहा राजन महात्माओं को लूटोगे तो तुम बदनाम हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे राजा होकर के, अरे महात्माओं की तो सेवा करनी चाहिए,
और महात्माओं को लूटते हो, तुम्हारे कुल में कलंक लग जाएगा। ऐसा नहीं करना, इनको नहीं लूटना, हम बदनाम हो जाएंगे। लोग कहेंगे लो राजा ने महात्माओं को लूटा, उसके पास पैसे की कमी थी क्या? कोतवाल को भेज दिया स्वामी जी के पास में राजा ने, तुम जाके महाराज जी को कह दो चार दिन के लिए कहीं चले जाओ, जब ये राजा बादशाह लौट जाएगा तब आ जाना, जब सुख समाधान हो गई, जब यहाँ शांति हो जाएगी फिर आ जाना, फिर आ जाना। ऐसा राजा ने कोतवाल को भेजा स्वामी जी के लिए। अब जब वहाँ जाकर के मथुरिया ने कह दिया कि राजा तो कहता हम नहीं मुसलमान बनेंगे, तो बादशाह ने फौज भेज दी, जाओ खत्म करके आओ उसको। तो लश्कर चारों तरफों कहते हैं और औरंगजेब की फौज आ गई, घेर लिया चारों तरफ से, कोई निकल नहीं पाएगा, बड़ा शोर करने लगे आके। स्वामी जी विचार करते हैं कि जब राजा नहीं हमारी बात सुनता है और अपना कोतवाल भेज दिया कि आप चार दिन के लिए चले जाओ, तो हम तो संत महात्मा हैं, हमें तो दुनिया पड़ी है, कहीं भी अपना गुजारा कर लेंगे। ऐसे कहा ये राजा नहीं निकालता है, हमें हुक्म हो रहा है हमारे राज्य का, यही हमें निकालते हैं, ये क्या हमें निकालेगा। जैसे मैंने पहले बताया था जब दुर्योधन की सभा में विदुर जी बैठे थे और विदुर जी ने कहा था कि देखो दुर्योधन आधे के हकदार हैं ये पांडव, लेकिन तुम आधा नहीं दे सकते, तो पांच गांव दे दो कि पांचों भाई अपना गुजारा कर लेंगे। तो दुर्योधन ने कहा तू दासी पुत्र है, सारे जीवन हमारा दाना खाया और बात करता पांडव के पक्ष की, निकल जा हमारी सभा से। बड़ी सभा में विदुर जी को अपमान करके दुर्योधन ने निकाल दिया था, पर विदुर जी ने क्या कहा कि दुर्योधन तुम नहीं कह रहे। देखो ये संत के लक्षण ये होते, विदुर जी ने कहा दुर्योधन तुम नहीं कह रहे, तुम्हारे दिल में बैठ करके हमारे श्री कृष्ण तुम्हारे मुख से कहवा रहे हैं कि विदुर जी इन दुष्टों की संगत छोड़ दो, इन पापियों की संगत छोड़ दो, तुम नहीं कह रहे। और विदुर जी वहां उठ करके जाके झोपड़ी डाल के बाहर रहे थे। तो स्वामी जी कहते हैं कि भाई राजा नहीं कह रहा, हमारे राज्य का हुक्म हो रहा है कि यहां से चलो। हे आज्ञा श्री राजी, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि राज्य की आज्ञा है, यहां से उठो तुम, यहां से उठो, ये धनी का हुक्म है। ये सामा सूत हम संग, ये सामा सूत हम संग, लोगों ने कपड़े दिए हैं, बहुत धन दिया, बर्तन दिए, क्या क्या दिए, हम लोग संत महात्मा हैं, क्या इतना संग्रह करना, यही मांग दो। उदयपुर के जो सुंदर साहब थे सबको वही बटवा दिया है, निभे नहीं लवारे, नहीं निभेगा कहाँ, ये गधे जैसा भजन लाद के चलेंगे हम सब यहाँ से, यही मांग दो। हम तो बस अपना भजन करेंगे, दो रोटी खाली हो गया, क्या इकट्ठा करना है। ऐसा विचार करके स्वामी जी ने सब बटवा दिया। फिर कोतवाल दोबारा आ गया, एक दो दिन के बाद फिर आ जाता है, हुक्म दूसरी बेर हुक्म लेके आया है, रानी रजा दे तुमको, राणा ने तुमको रजा दे दी है, ये क्या फिर। ऐसे कहा कि स्वामी जी को कह दो जाके कि आप यहाँ से चले जाओ, ऐसा खबर करवाई। स्वामी जी ने कहा इस रहने का अब धर्म नहीं है, आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, जहां आदर और सत्कार न हो, प्रेम ना हो, वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे सोना बरस रहा हो। हाँ कहाँ रहना चाहिए, आवत में आदर करे और जावत दे में रोए, तुलसी ऐसे पथिक घर भूखा रही है सोए।
जो तुम्हारा आदर करे और जाते समय आंखों में आंसू भरे आए कि भाई मेरे से सेवा नहीं हुई, मैं कुछ नहीं कर पाया आपकी सेवा, ऐसे के घर में भूखा भी सोना पड़े तो भी रह जाओ। तो स्वामी जी ने कहा ये जमी देखी जहर, स्वामी जी उस भूमि को उदयपुर को जहर के समान दे करके त्याग दिया वहां से। अब रहने का हमारा धर्म नहीं है, बहुत दुनिया पड़ी, चलो यहाँ से उठो। हमारा जो अख्तियार, हमारा तो राज्य के हाथ में हुक्म है, जहाँ ले जाएंगे वहाँ जाऊंगा। राज्य के हाथ में हमारा अख्तियार है, यही हमको कारण, राजा नहीं काल रहा, हमारे धनी का हुक्म हो रहा कि यहाँ से चलो निकलो। ये ठिकाना छुड़वा दिया, मैं तो राजा कहता हूँ मदद करूंगा तेरी, पर राज्य का हुक्म नहीं है। हाँ, जहाँ राज्य मारे ले जाएंगे वहाँ जाना पड़ेगा। अब स्वामी जी ने कहा भाई किसी और राजा को देखेंगे, ये जो जुल्म हो रहा है हिंदू के ऊपर ये बचाना है, किसी और राजा को देखेंगे, यहाँ से चलो। इस समय जो राजा का भाई महासिंह था सो दर्शन करने आया श्री जी के, उसको भी सिरो पाओ अच्छे कपड़े बस्तर जो जेवर था उसको दे दिया कि राजा का भाई है मत्था टेकने आया, स्वामी उसको ये आशीर्वाद दे दिया। और कह दिया महासिंह को कि अब तुम हो जो खबरदार, तुम महात्माओं के अपने यहाँ से भगा रहे हो, जब संतों की सेवा करनी चाहिए आशीर्वाद लेना चाहिए, तुम यहाँ से भगा रहे हो, तुम खबरदार हो जाना, तुम जानो कि तुम्हारा काम जानेगा। हम तो चले जा रहे, हम तो संत महात्मा है, तुम्हारे राज्य से जा रहा हूँ, पर राजन ये सोच लो संतों का अपमान करके तुम निकाल रहे हो यहाँ से, इसलिए तुम बैठ नहीं पाओगे चैन से, तुम भी परेशान हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। और जेते वहाँ के बड़े बड़े लोग थे, सबको स्वामी जी ने कहते हैं आशीर्वाद रूप में दे दिया, जितने राजा के पासवान थे और जो सुंदर साथ था उदयपुर का, जिनको श्री जी की पहचान हो गई थी, उन सबको बटवा दिए, जो भी सामान था कि सब बांट दो, आगे फिर देंगे राजी महाराज, उन पे भरोसा रखो, इसलिए सब सामान बटवा दिया, घरों में पहुंचा दिए सबके, निर्गुण वेश पहनने का, सादा फकीरी वेश पहनने का, मोमिनों को निर्गुण वेश बता दिया, सादा वेश बता दिया है, पहने चीरक वस्त्र, आधी धोती पहन रखी आधी ओढ़ ली है, ऐसे पहने हैं, जितने कीमती कीमती सामान थे सब स्वामी जी ने बटवा दिया, सब छुड़वा दिया कि लो ये दुनिया वालों को चाहिए, पर संतों फकीरों को अपना बेस में रहना है। यहाँ सबको खबर करी कि हम यहाँ से चल रहे हम लोग हैं, वहाँ पर जो नक्शा लिखवा रहे थे बैराग का वही छोड़ा है, बासन बस्तर सर्व, जितने लोगों ने बर्तन दिए कपड़े दिए सब स्वामी जी ने बटवा दिए उदयपुर में, सबको बख्श दिया है। हाँ, तुमा कुदड़ी गोबड़ी, स्वामी जी ने करमंडल होता है वो, और कुबड़ी मने लकड़ी, और गोदड़ी वही बिछा लेते हैं, वही ओढ़ लेते हैं, इतना सामान है बस, ये भेष पहना मोमिन, मोमिन इस भेष को धारण किया है, अब उदयपुर के सुंदर साथ को बताते हैं, जिन्होंने श्री जी के चरणों में आत्मा सौंपी थी, जो धर्म में आए थे, श्री जी ने जो उपदेश दिया ज्ञान दिया
उसको अपने सिर पर चढ़ाया है। एक लाडू मसानी आए और अमरा जी आए हैं और देव जी आए हैं और सुंदर भी आया और मंगल जी आए हैं और गिरधर आए, गहला मना हिम्मत आए हैं। ये स्वामी जी के प्यार के बांधे हुए इन्होंने तारतम लिया और आए थे धर्म में। केशवदास बेनीदास जागे हैं और शोभा भीमा आए हैं और भोगी वीर जी आए हैं। इनको पता चला कि ब्रह्म ज्ञान है तो इन्होंने तारतम लिया और आए प्रेमदास जगन्नाथ और प्रेमदास जगन्नाथ आए हैं। पीछे आए लक्ष्मीदास और लक्ष्मीदास भी आए हैं और सोनी नारायण आए हैं। राम जी के चरणों का आशा लेके आए और साथ समस्त में और जितने सुंदर साथ हैं सो एक भाई वासुदेव एक वासुदेव आए हैं। इनकी माता सहोदरा की माता सहोदरा थी वो भी स्वामी जी के चरणों रही। एक मोटी बाई कुंजा बाई तारतम लिया कमला बाई भी आई और खुशाली बाई आई। ये सुंदर साल ने सबने तारतम लिया और आई लाल बाई एक लाल बाई आई है और नागर आई है ब्राह्मण भी है और भूरो भत्तू आई है। कटी माया राज खाता स्वामी जी के राज्य को पाने के लिए घर परिवार छोड़ दिया उसने। केसर और भान बाई आई और गंगा बाई आई गंगी बाई आई और आई लाल बाई और लाल बाई आई है संगी। अपने जो उनकी मंडली थी सबको स्वामी जी के पास लेकर के आई। कृष्णावती बाल बाई आई है और सोना फूला आई है जीवी और देव बाई आई। इन सबने तारतम लिया उदयपुर का ही सुंदर साथ है। सहू भाई गंगा भाई जम्मू भाई तारू भाई आई बच्चू भाई फूल भाई आई किया राजे अपराध। जहाँ देखो भाई लोग कम तारतम लेते थे लेकिन माताएं बहने ज्यादा लेते थे। यहाँ भी देखो तुम्हारे सामने किसकी संख्या ज्यादा है। सेवा भी यही ज्यादा करती भाव भी नहीं अंदर ज्यादा प्रकट होता है। तो कितने सुंदर साथ जागे हैं। भोगन और मथुरी बाई आई गौरी और मन्नू बाई आई नई दुनिया को संसार का सुख भोग लिया अब तो श्री जी के चरणों में रह गई। अच्छा तरह संसार को समझ लिया है। अमेठी और दानी खेती आई है मुनि बैरानी आई है नानी बाई गोमा बाई आई ये बात में तारतम लिया इन्होंने गोमा और वीर बाई और नाथी लखी आई है भाग बाई तारा बाई परम धाम की आत्माएं हैं ये बाग भाई तारा भाई ब्रजराज में लीलाएं करी जो वही है आत्मा। अंधु और मनी भाई आई है पूर्व भाई और गंग भाई आई है माना भाई अमृत भाई आई है। ये राज स्वामी जी के साथ रह करके बड़ा आनंद चर्चा वाणी सुख लेते हैं। अमृत और कर्मा बाई और चीमा सौदरा आई है और कान भाई मन्ना भी आई है। ये राखी की मेहर है जो स्वामी जी वहाँ पहुँचे होते पर मैं अपनी चर्चा वाणी करी कितनी परम धाम की आत्माएं थी उनको भी जगाया है। चीमा बाई सजनी बाई और दीपा बाई आई है और जितना सुंदर साथ है सो उदयपुर की जागनी बताइए कोई आगे पीछे। हाँ कोई आगे कोई पीछे जब स्वामी जी वहाँ से निकल जाते हैं तो बाद में क्यों हम जाके तारतम लिया है। आए धर्म के बीच में आए हैं तो समझने कोई समझने के लिए आते थे कि कैसा ज्ञान है कितना ब्रह्म ज्ञान है
स्वामी जी वेदों से शास्त्रों से समझाते हैं उनको, कोई दीदार को विश्राम, कोई श्री जी के दर्शन करने आते हैं, जब सुल्तान चढ़ा राणे पर, जब सुल्तान चढ़ा राणे पर, सुल्तान औरंगजेब ने चढ़ाई कर दी, फौज भेज दी राणा उदयपुर में, तब भागा से, तब डर के मारे सब भाग गए शहर छोड़ करके, इधर उधर पहाड़ों में जंगलों में छुप गए जाके सुंदर साहब, तब वहां से निकल पड़े। तब स्वामी जी ने जब कह दिया राजा ने कि चले जाओ तो तुम जानो तुम्हारा काम जानो, स्वामी जी वहां से अपनी जमात लेके निकल जाते हैं, पड़े पड़े दरवेश उनके दर से निकल गए, आगे जाके कहीं चलो रुकेंगे चल के, ऐसा स्वामी जी वहां से चल करके मंदसौर के लिए रवाना हो गए थे, वहां से चल के रामपुरा एक गांव था वहां स्वामी जी पहुंचे। स्वामी जी यहाँ भी आए सुंदर साहब जी, ये जो आप बैठे हो ये भूमि स्वामी जी पवित्र कर गए तब यहाँ ये मंदिर स्थान बना है। जब स्वामी जी आए थे इस राजस्थान में आमेर वगैरह में तो ये शहर नहीं होगा उस समय, ये जयपुर गांव होगा, तो यहां भी स्वामी जी एक रात ठहरे होंगे तब ये मंदिर बना। जब भूमि पवित्र होती है मंदिर वहीं बनता है, उनके चरण पड़े होंगे यहां जरूरी निश्चय करके मानो, हो सकता रात को विश्राम किया होगा, ये जंगल था तो ये यहां पर मंदिर बना। तो पास में दुदलाई नाम का गांव था, पूरनदास एक चारण थे वहाँ, उनका गांव था पूरनदास का, श्रीमती परमहंस लाल दास कहते हैं प्यारे सुंदर साहब जी, उदयपुर की बात बताई आपको, अब श्री जी महाराज वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं मंदसौर के लिए रवाना हो लेते हैं, जो मृतकों का भाग जैसा राज्य का हुक्म है वैसी सुना रहे हैं, अब कहो मंदसौर की, अब कहो मंदसौर की। स्वामी जी वहां से चल करके मंदसौर पहुंच जाते हैं, उदयपुर से चल करके श्री जी मंदसौर में पहुंचते हैं, जब नौरंग चढ़ाने पर औरंगजेब राणा के ऊपर चढ़ाई कर दी, लाखों की फौज भेज दी, चारों तरफ से घेर लिया था शहर को, चल भी चल। तब वो सब लोग बेचारे डर के मारे जंगलों में जनता छुप गई जाके, विक्रम संवत 1726 की साल में स्वामी जी उदयपुर में थे, जब 37 की साल लगी के बीच में, तब श्री जी महाराज मंदसौर पहुंच जाते हैं, तब मंदसौर पहुंच जाते हैं, इन समय फकीरी का सब फकीरी देश में है, पूरी जमात की जमात है, हजारों सुंदर साथ हैं स्वामी जी के साथ में, सब फकीरी भेष में है, बड़ा अनूप उपमा से रहे थे, एक तो ब्रह्मात्माएं हैं मस्तक पर तेज है पर ऐसा भेष धारण कर रखा है, जयकारा लगाते हुए प्राणनाथ का भजन कीर्तन गाते हुए सुंदर साथ जी चलते हैं अपनी जमात में, शोभा छवि स्वरूप की, इनकी शोभा इनकी छवि जो स्वरूप की श्री जी की, वारों कोटक रूप कितने रूप को इनके ऊपर वारण कर दे, ऐसा छवि शोभा धारण कर रखी है, गोटा शोभे सिर पर, सिर के ऊपर जो टोपी है सो, उनके ऊपर कंडपी है, हाँ लोई अपने हाथों से बनाई है वो ओढ़ते हैं, टोपी इस प्रकार की टोपी पहनते श्री जी, अति सुंदर तिलक, बहुत सुंदर तिलक डबल लगाते, यहाँ से नाक से लेकर के दो लाइन सीधी खींचते हैं, फिर दो बिंदी लगाते हैं, एक लाल बिंदी श्यामा जी की, एक बिंदी राज जी की, ऐसा करते तिलक धारण करते हैं, दो रेखा खींचते हैं चंदन की और बीच में दो बिंदी लगाते हैं, गोपी चंदन सफेद का गोपी चंदन जो है वो कहते हैं जो द्वारका जी में है, गोपियों ने भेजी थी धूल वो चंदन है,
मुख शोभित मानो चंद्र, गोपी चंदन सफेद का। श्री कृष्ण ने एक दिन द्वारकापुरी में जब रह रहे थे तब कहा भाई मेरे सर में दर्द हो रही है। तो वहां सत्यभामा इत्यादि जितनी थी रानियां जो भगत लोग थे कई दवाई करवाई पर आराम नहीं। तो उन्होंने कहा भाई पहले भी कभी दर्द हुआ कि पहली बार ऐसा हो रहा आपको? श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं जब मैं ब्रज में था तब मेरे सर में दर्द हुआ था। तो क्या दवाई करी थी? तो वो कहते गोपियों गोपियों के जो चरणों की धूल थी ना, और गोपी ने अपनी चरणों की धूल हमारे माथे पर रगड़ी थी तो मैं ठीक हो गया था। अगर कोई गोपियों की धूल ले आ दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा, या तुम कोई अपने चरणों की धूल दे दो। अब भगवान के माथे पे कौन अपने पैर की धूल रख रहे हैं? कोई तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई वहां चले जाओ वृंदावन में, गोपियों से कहना जाके कि उनके सर में दर्द हो रही है और गोपियों की चरणों की धूल मांगी है। वहां गए गोपियों को जाके कहा, गोपी ने कहा ले जाओ, इतनी गठड़ी मांग नहीं, पैरों की धूल झाड़ झाड़ के कि हम नरक में चले जाएंगे, हमें कोई डर नहीं, पर मैं अपने श्री कृष्ण का दुख नहीं देख सकती, हम श्री कृष्ण का दुख नहीं देख सकती, गठड़ी मांग दी पैरों की धूल झाड़ झाड़ के। वहां लेके पहुंचे, श्री कृष्ण कहते मैं तो ठीक हो गया। श्री कृष्ण कहते तुम भी तो हमारे सारे भगत हो। और वो मिट्टी फिर एक तालाब में गिरवा दी, तब से उस मिट्टी को गोपी चंदन बोला जाता है। संत महात्मा उसको लगाते हैं, वही गोपी चंदन सफेद जो स्वामी जी तिलक करते हैं, कानों में श्रवणी पहनते हैं, दो माले कंचन के डाल रखे श्री जी ने, बड़ी सुंदर छवि स्वामी जी की लगती है, लगा प्यार फकीरी से, हाँ मैंने लागा मेरा यार फकीरी में, उनको फकीरी से प्यार है, बड़ा सुंदर छवि है श्री जी की, पहली कंठी तुलसी की, और कंठी गले में तुलसी की कंठी पहन रखी है, बड़ी माला चार, हाँ देखो चार माला बड़ी बड़ी। हम पैंट सूट में जाओगे किसी के दरवाजे को होगे भाई भिक्षा दे दो, कोई कहा अरे इतने अच्छे कपड़े पहन रखे, कहीं कमा के खा भिक्षा मांग रहा, तो भेष का असर पड़ता है। स्वामी जी ने चार मालाएं डाल रखी है, गले में कंठी बांध रखी है, तिलक लगा रखा, कानों में सुमरनी डाल रखी, हाथ में सुमरनी है, झोली है बगल में, ऐसा भेष धारण कर लिया, अति शोभित अंग मेखली, अति बहुत सुंदर शोभा दे रही मेखली, लोई धागे भरी सुमार, और लोई भी ओढ़ते हैं, और गोदड़ी ओढ़ ली, और गोदड़ी बना लेते अपने हाथ से, हाथों लई बनाए, हाथों से गोदड़ी बना ली है, सेली सुमरनी मुझका, सेली सुमरनी मुझका, और मुझका बोलते जिसमें हाथ डाल करके माला फेरते संत महात्मा, वो कहते उसमें सुमरनी है, उसमें हाथ डाल के फेरते उसको मुझका बोलते हैं, अंग शोभित है, श्री जी के हाथ में शोभा दे रहा, ऊपर नी धोती अंगोछा, हाँ ऊपर नी धोती अंगोछा, एक पहले अंगोछा बांध रखा है अंदर, ऊपर से धोती पहन रखी, आधी पहन रखी, आधी ऊपर से ओढ़ ली है, एक अंगोछा पहन रखा है नीचे साफा सा, और एक कमर में बांध रखा है, जो कमर में अंगोछा बांध रखा है उसमें कमंडल बांध रखा है, छवि ब्रह्मांड में, ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सबके ऊपर शोभा है, ये ऐसा कौन पहनना चाहता, सब अच्छे पहनना चाहते, अच्छा खाना चाहते हैं, पर ये छवि शोभा जो सबके ऊपर है, एक पात्र तूमे का, तुमा कहते करमंडल जो है सो, और एक कमर में बांधे जो जिससे जंगल पानी जाते हैं, एक तुमा हाथ में रखते हैं कमंडल जिससे अपना भोग लगाते हैं पानी पीते हैं, ऐसा बांधे और कमर, जैसे कोई किसी ने पूछा किसी पंडित से कि पंडित जी करमंडल क्या होता है,
उसने कहा कर्म माने आद मंडल माने आकाश, कर्मंडल होता। उसको भी विश्वास नहीं हुआ। वो किसी महात्मा के पास पहुंचा, बोला महाराज जी कर्मंडल क्या होता है? वो उठा खर के आगे रख दिया, देख इसको कहते कर्मंडल। तो ऐसे दो कर्मंडल हैं जो एक कमर में बांध रखा है सापा के साथ जंगल पानी जिससे जाते हैं, और एक पानी पीने भोग लगाने के लिए हाथ में रखते हैं, कांधे पर रखते हैं, पहनी पाँव में पनही पनही, कभी खड़ाऊ पहनते कभी जूती पहनते, सिर जी चलत चटकनी चा लटक मटक पिया चाले चलत हैं सब अंगों सुख देन, पधारो मेरे वाला जी रंग भरी। बड़ी लटक मटक करके सिर जी चलते, बहुत शोभा लगती है। संग में मोमनों का लश्कर है चारों तरफ से, कितनी छवि शोभा, जनता देख करके ही आकर्षित हो जाती है। और कितने सुंदर साथ साथ में चलते हैं, खुशी होते जैसे स्वामी जी ने भेष धारण कर रखा, ऐसी सुंदर साथ ने धारण कर रखा है, सबों ने भेष धारण किया है, शिव जी को देख करके इसी तरह भेष धारण किया सबने, चार खेल देखने की, इस माया की खेल देखने की इच्छा करी थी परम धाम में, बड़ी खुशहाली तब बड़ी खुशी हुई है। भाई जी भेद बनाया, अब भाई जुराग महारानी जी हैं, उन्होंने भी फकीरी भेद धारण कर रखा, निर्गुण भेद सोखते हैं, साज फकीरी रखते हैं, वो भी सब फकीरी साज रखती हैं। हाँ यही दज्जाल है कि मन जो है ना अच्छी अच्छी चीजों को चाहता है, ये हमारी इंद्रियां हैं, ये विषय की तरफ भागती रहती, आंखें चाहती अच्छी अच्छी चीज देखने को मिले, कान चाहते हमारी प्रशंसा सुनने को मिले, जीभ चाहती अच्छा अच्छा खाने को मिले, शरीर चाहता अच्छा स्पर्श करने को मिले, इन दज्जाल से जंग कर रही है। कोई किसी प्रकार का लालच नहीं, कुछ नहीं, सादा भेद धारण करा जमीन पर सोते हैं, फकीरी भेद धारण करके राज्य को याद करते हैं। रामपुरा रामपुरा जो पूरनमल चारण का गांव था, वहां जाके ठहरते हैं, चारण के गांव पहुंच रहे, कहा उठाई हवेली, वहां एक हवेली मैंने कमरा बनाया, ईटे पारने लगे, कमरा बनाना है, बनाए खाड़ी हवेली करी, जैसे बताए ना रात को बताया था कि माँ शेर पर मैं भी सुंदर साहब ने कहा था महाराज जी के लिए कमरा बनाऊंगा, महाराज जी ने कहा नहीं भाई पेड़ के नीचे ठीक है, हवा भी बढ़िया लगती है, यहाँ से रहता है, नहीं नहीं महाराज जी कोठा बनाऊंगा। इंद्रराज भगत जी बताते थे मुझे भी, हम जमा जमा लड़के थे उस समय, अब कच्ची मिट्टी इकट्ठा करके ना गारा बना बना करके दीवार बनाई चारों तरफ, जब इतनी दीवार हो गई छाती तक बराबर हो गई चारों तरफ, तब महाराज जी आए देखा चारों तरफ, महाराज जी ने कहा भाई ये बताओ हम इसमें कहां से जाएंगे, क्यों दरवाजे नहीं छोड़ा, जोश में आके चारों तरफ से दिवाली बना दी। महाराज जी ने कहा इसको रहने दो, पेड़ी के नीचे हम ठीक है। तो यहाँ देखो पूरनमल चारण के पास में सुंदर साथ एक कमरा बना रहे, मौजाई फकीर की दिया झोपड़ा फूंक, मौजाएगी तो चल देंगे छोड़ करके। पूरनमल चारण का ये गांव था, पूरनमल की जो चारण की माता थी वो स्वामी जी की सेवा में आई है, ऊपर की पहचान, क्योंकि भेष ऐसा धारण कर रखा सिंह जी ने, तो उसको आकर्षण हुआ कि बहुत अच्छे संत हैं, उपली पहचान करके सेवा करती है, इनके स्वरूप देख करके जो उसको ईमान आ गया कि बहुत अच्छी महात्मा है। कितने भेद धारण करते जा करके देखो हरिद्वार जैसे मेला में, इतना आडंबर करते हैं कि आदमी आकर्षण हो जाता है। तब दज्जाल ने जोरा किया, तब दज्जाल ने जोरा किया,
अब वहां पर जाकर के औरंगजेब की फौज चारों तरफ से घेरा डाल रखा है। दिल बैठा बैरी साल, वो राजा का भाई था बैरी साल, उसके दिल में शैतान बैठ गया कि इन महात्माओं को लूट लो। मैं भाई राजा का था, राजा का भाई था बैरी साल, ऐसा उसके दिल में दज्जाल बैठ गया। बुरी नजर करी साथ परे, सुंदर साथ के ऊपर बुरी नजर करी, लेकिन लूट ले वो फकीरे, ये फकीरन को लूटूंगा, इनके पास बहुत संपत्ति होगी, ऐसा बैरी साल राजा का भाई लूटने के लिए आया। तब चारण के घर जाए, तब सुंदर साथ चारण पूरन मल चारण था, उसके घर में गए फरियाद करने। फरियाद करी कि देखो बैरी साल राजा का भाई है, ये हम लोगों फकीरों को लूटना चाहता है। तब चारण की माता ने, तब पूरन मल की माता ने बांधी जोड़ कमर, कमर बांधी के खबरदार कोई हमारे यहाँ आ गया तो, ये संत महात्मा हमारे यहाँ ठहरे हैं, हम इनकी सेवा करते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है लूटने का। ऐसी पूरन मल की माता ने इन वैरागियों सामने देखे, इन वैरागियों के सामने जो देखेगा सो हर माने तलवार से उसका या तो मैं मर जाऊंगी या उसका गर्दन काट लूंगी, ये महात्माओं को क्यों लूटे। ऐसे कहते पूरन मल की माता ने जोर कमर कसी, तो वो जो बैरी साल भाई था राजा का, या तो मैं मरूं तिल परे, और या तो मैं मरूंगा उनके ऊपर, तो हत्या उन्हें, हत्या लगेगी उनको, इनको बुरा क्यों देखे, इन महात्माओं के बुरा क्यों देख रहे, क्या तुम्हारा, हमारे यहाँ संत महात्मा आए हुए हैं, इनको बुरी नजर से क्यों देख रहे तुम्हें। तब स्वयं मुंह ने पीछे फिरा, तो राजा भाई जो बैरी साल था वो काला मुंह लेके लौट गया। जब सब गांव वाले इकट्ठे हो गए तो उसको वहां से भगना पड़ा। बैरी साल चला जाता है, किसी का कुछ नहीं चला, इतना बुरा हुआ हवाले, ऐसा बुरा हाल हुआ है, हमें नहीं छोड़ते, ये हमें ना छोड़ते, आए वहां से सिरजी चल करके हवेली छोड़ दी, एक कमरा बनाया था छोड़ दिया, और मंदसौर में पहुंच जाते हैं, कहां आकर के बैठे। शिवजी महाराज ने वहां पर हरकरण हरप्रसाद थे, हरकरण हरप्रसाद थे, उनके बराबर शिव जी ने आके अपना डेरा लगाया। अब वहां मंदसौर तक औरंगजेब की फौज में घेरा डाल रखा था, मंदसौर तक घेरा डाल रखा था, तो वहाँ सनंद माने अपनी बाणी, स्वामी जी अपनी बाणी सुंदर साथ बड़े राग में गा रहे हैं, कोई कोई सुनने को आए, तो वहाँ से मंदसौर की जनता सुनने को आती कि बड़ा अच्छा गाते हैं, पर क्या चीज है समझ नहीं पड़ती, उनको पढ़ने नहीं पड़ता, सुनने को आवत है, यहाँ सुनने के लिए कौन आता था, पठान दौलत खान, पठान दौलत खान सुनने के लिए आता है, सुन सनंदे घायल भया, सनंद किताब के जो प्रकरण थे वो सुन करके पठान घायल हुआ, अच्छी तरह श्रीजी के ऊपर ईमान ले आया, एक शेर खान को होती था, सुनी सनंदे काले, उसने भी सनंद के प्रकरण सुने, सनंदे तक पठाने, कितने पठान लोग जो थे सो वहाँ के, तभी श्रीजी महाराज के ऊपर ईमान ले आए, विनायक मोहम्मद का जो प्रकरण है वो सुनाते हैं, सनंदे पढ़ी जब, जब सुंदर साहब ने सनंदे पढ़ी, प्रकरण पढ़ा, स्वामी जी की चर्चा करी, तो कितने पठान स्वामी जी के चरणों में आ गए, दौलत खान पठान को, एक दौलत खान पठान था, जोश आया तब, उसको भी जोश आता है, बिना एक मोहम्मद, वो कहता कि तुम ही मोहम्मद हो, तुम ही मोहम्मद हो, ऐसे बिना एक मोहम्मद और कुछ नहीं बोलता, और बोल नहीं करता था, वो कहता था तुम ही मोहम्मद हो, तुम ही मोहम्मद हो, ऐसा स्वामी जी को कहता था, फिर यही कहता था, यही मुख से निकालता था, कृपा राम मिताया। यहाँ उदयपुर का जो प्रसंग है सुंदर साहब जी, क्या हाल किया औरंगजेब ने, वहां का पत्र लेकर के सुंदर साहब की
और कृपा राम स्वामी जी के पास आते हैं, ता पाती ले पुकार, पाती ने पुकार, कृपा राम आया पाती ले पुकार। उदयपुर का साथ पहाड़ों में हुआ बिलाप करना। सुंदर साहब उदयपुर का जो था, अपनी इज्जत बचा करके जंगलों में भूखे प्यासे कई कई दिन के पड़े, इज्जत बचा के, माँ कहीं है, बाप कहीं है, बेटा कहीं है, और तड़फ रहे हैं वहां पर, याद कर रहे स्वामी जी को कि स्वामी जी हमारी लाज बचाओ, ये धनी हमारी लाज बचाओ, क्योंकि स्वामी जी को याद कर करके रो रहे भूखे प्यासे। ये सूचना लेके कृपा राम स्वामी जी के पास आते हैं। उदयपुर का साथ उदयपुर का जो सुंदर साथ था, औरंगजेब की फौज के डर के मारे पहाड़ों में कई कई दिन के भूखे प्यासे पड़े, और मिलाप कर रहे, किसको याद कर रहे, स्वामी जी को। स्वामी जी को याद करते, हमारे जीवन में आपके जीवन में कोई संकट आता है तो हम राज जी को याद करते हैं। ऐसी सुंदर साथ रोता है स्वामी जी को याद कर करके कि मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। विलाप इनका सुन के, इनका विलाप सुन करके दिल में हुआ दर्द। जब कृपा राम ने स्वामी जी को ये सूचना दी तो स्वामी जी को बड़ा दिल में दर्द हुआ और धनी से कहने लगे, हे धनी, सुंदर साथ इतना गुनहगार नहीं है जितनी आप इनको सजा दे रहे हैं, इन्होंने क्या मांग लिया था आपसे? अरे खेले ही तो मांगा था, कोई आपकी साहबी तो नहीं मांग ली थी, इतना दुख क्यों दे रहे सुंदर साथ को? ऐसा स्वामी जी को बड़ा दुख होता है सुन करके कि हमारा सुंदर साथ इतना दुखी धनी, इतना कष्ट क्यों दे रहे इनको, इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर लिया था जिसके कारण से इतनी सजा ले रहे हैं। दरगाह बीच करके राज्य की तरफ, राज्य को दरगाह बीच मुंह करके परम धाम की तरफ को, और दिल से प्रार्थना करते स्वामी जी, पुकार करी मोहम्मद, स्वामी श्री प्राणनाथ जी पुकारते हैं दिल से राज्य को, गए धनी ये हमारा सुंदर साथ इतना दुखी हो रहा है, ये मेरे से सहन नहीं होता, इन्होंने अपना जीवन हमारे भरोसे छोड़ दिया और हम इनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो गुनहगार हम बनेंगे, इसलिए कहते पुकार करते राजी से प्रार्थना करें श्री जी, पांच कीर्तन करके, छह प्रकरण उतरे थे जो कीर्तन किताब में है, बालो बरे रस भीनो रंग बिराम रमार्थो वासना रुदन करे जलधार, इस प्रकरण से लेकर के आने वाला अग्नि उठे अंगेरे हमारे विमुख विपरीत कमर कसी हथियार, ये छह प्रकरण कहते स्वामी जी को वहां उतरे थे, तब ये संकट दूर हुआ। आज भी सुंदर साथ कोई इन प्रकरणों की कोई संकट आते है ना, तो 40 दिन तक अगर 21 बार अगर रोज पाठ किया जाए निश्चय करके संकट दूर हो जाता है। ये उतरी इसीलिए थे धनी के लिए, तो यहाँ पर जब स्वामी जी ने प्रार्थना करी तो राज्य ने इनकी प्रार्थना सुनी और वहां छह प्रकरण उतरे, ये वाणी में दाखिल किए छह प्रकरण पर, वही पहुंची हक को, तहकीक अर्थ पहुंचा था, जो भेज दिए पाक दिल, सच्चे दिल से याद करो राज्य को तो जरूर सुनते हैं, उसी समय पहुंची हक को, ये मेहर हुई राजी महाराज की सुंदर साथ के ऊपर, इस समय इब्राहिम जो था सो दर्शन करने के लिए आया श्री जी के, सोहबते राजी भया, संगत से आकर के स्वामी जी की संगत में आके बड़ा राजी हुआ, जब स्वामी जी ने उसको चर्चा सुनाई, दूसरी बार इब्राहिम दूसरी बार दर्शन करने आया, तब लालदास की संगत से बातें हुई, यहाँ पर लालदास जी से बातचीत हुई जब इब्राहिम की, एक किस्सा कुरान का, उसने कहा लालदास ने कहा कि कुरान का किस्सा करो, हमारा काम कर दो, तो उसने कहा बोलो क्या लिखवाना, हम लिख देंगे, इब्राहिम ने कहते वो लिख रहा है सूरत एक कुरान का सिपारा लिखवाया लालदास ने, कहते हैं
कितनी आयत थी उनमें लिखी, स्वामी जी सुन रहे थे, बड़ा सुन करके शिव जी को आनंद हो रहा। इसमें तो हमारी बात है परम धाम की। लाल दास को कहा श्री जी ने कि अगर ये इब्राहिम उतरा दे तुम्हें तो ये लिखवा लो, बड़ा काम होगा। तब उनसे बातें करी लालदास ने इब्राहिम से, उसने कहा, लालदास ने कहा भाई तुम्हारी मेहनत दूंगा मैं। तो उसने कहा ठीक है मैं उतार दूंगा। लोग दिखाया पैसे का, इब्राहिम राजी हो गया। सवेरे आ गया कि बोलो महाराज क्या लिखवाना बताओ हम लिख देंगे। सवेरी आ जाता है, सोलवा सिपारा लिखवा रहे हैं, दो जुज उतरा दिए, चार पन्ने का एक जुज बोलते हैं, तो आठ पन्ने उसने लिख करके दे दिए हैं। बड़ी खुशी हुई श्री जी को, एक मंजिल हुई यहाँ पर है, यहाँ पर बड़ी खुशी हो रही श्री जी को। बीतक अपनी बात की, अपनी परम धाम की चर्चा सुन करके दिल निर्मल होता है। अपनी परम धाम की चर्चा वाणी सुन करके आत्मा पवित्र होती है। एक ठोर रात को बंगले में, एक जगह रात्रि को कहते हैं। लालदास बैठते, इब्राहिम बैठता है, लालदास लिखवा रहे, इब्राहिम लिख रहा है। स्वामी जी पास में लेट जाते हैं, लेटे लेटे सुनते रहते हैं, कुरान को उतार रहे थे। लालदास इब्राहिम बैठते हैं, श्री जी महाराज सुनते हैं जो वो बोल रहा लिख रहा है, वो सुनते हैं श्री जी। उतरावते एक सुकन, उतराते उतराते एक शब्द जो है सो इब्राहिम ने पढ़ा सुकन को, ये तो कोई राव सी, और ये तो किसी राजा का प्रसंग है, ऐसा उसने पढ़ा इब्राहिम ने। उसको काट दिया इब्राहिम ने, उसको काट दिया शब्द को, ये तो किसी राजा का प्रसंग है। तब स्वामी जी ने कहा इब्राहिम को, पढ़ो सुकन भाई, दोबारा पढ़ो, इसको काटते क्यों हो, तुम्हें समझ में नहीं आती तो उसको काटो ना, तुम्हारे शब्दों को फिराना अधिकार नहीं है। राजी की वाणी सुंदर साजी, एक शब्द भी काटना गुनाह है, कोई भी हो, अपनी बुद्धि चतुराई ना दिखाओ, हेर फेर ना करो, एक शब्द काटने किसी को फिराने का अधिकार नहीं है। इसलिए स्वामी जी ने कहा इब्राहिम को कि तुमने क्यों काट दिया, इससे फिर पढ़ो दोबारा, तुमने क्या कहा, ये हमें सुना दो क्या लिखा है। तब इब्राहिम ने कहा है जो सुन्नी मुसलमान है सो मोहम्मद की उम्मत में अर्जी ना पहुँचे, उनको अर्जी नहीं पहुँचती है सुन्नी मुसलमान की, कोई पहुँचे ना सके, कोई और नहीं पहुँच सकता मोमनों के अलावा, मोमनों का जो मरातवा है और कोई नहीं पहुंच सकता। स्वामी जी ने कहा तुम हरफ ना फिराओ, तुम्हें नहीं समझ में आता छोड़ दो ना पढ़ो, लेकिन तुम्हारा अधिकार नहीं कि अपनी चतुराई दिखाओ, जैसा लिखा हो सुकन, जैसा लिखा वैसा लिखा रहने दो, और वही सुकन को और उसी शब्द को तुम नहीं समझते तो काटते क्यों हो, काटो नहीं उस शब्द को, कोई क्या जाने उन्हें क्या लिखा, कोई क्या जाने उन्हें क्या लिखा हुआ है, हम नहीं समझते तो उसको काटना नहीं चाहिए। एक चबूतरा था वहाँ पर, स्वामी जी वहाँ पढ़ते हैं, बीतक देख अपनी जो वाणी उतरा रहे हैं इब्राहिम से, बड़े खुश हो रहे हैं, पूर्ण काम हुए हैं। अब अपनी बात के, अब अपनी बात जो है परम धाम की, सबित भय कारण इन मुसलमानों को समझाने के लिए हमें एक ये चीज मिल गई है, इनको समझाऊंगा इससे। अब तुम्हें करना कुछ ना पड़े, अब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा सुंदर साथी, कोई गर्ज नहीं रही, अब यही सब साथ को, सब सुंदर साथ को चिट्ठी भेजो, ये जो मोहम्मद साहब ने लिखा हुआ है
ये हमारी तुम्हारी बड़ाई लिखी है, लिखो कुछ हमारे ये राखी खुशी लिखो सबको, मेहर भाई श्री राज, मेहर भाई श्री राज की राजी मार्ग की कितनी बड़ी मेहर है कि बिन कसनी बिन भजन दिया दाम धनी खसम। जिस वाणी को पाने के लिए सुंदर साहब जी बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर करके थक गए, वो नहीं जान सके, सृष्टि की रचना करने वाले नहीं जान सके, वो धन सतगुरु ने अपने को दिया है, ये राजी की मेहर नहीं तो और क्या है। थोड़ी सी परेशानी आ जाए, कोई संकट आ जाए, कहते राजी की मेहर ही नहीं हो रही। अरे राजी की मेहर और क्या चाहते हो, इससे बढ़कर के मेहर क्या मिलेगी तुम्हें। तो ये मेहर भाई श्री राज की तो तुम्हारे ऊपर राजी मैंने पहले लिखवा के रख दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, तो राजी महाराज की मेहर थी तभी लिखवा दिया ना, तुम्हारे प्रमाण दे दिए। हाँ सुंदर साहब जी, रात्रि को फिर दीपक साहब पढ़ी जाएगी, उसमें स्वामी जी ने सबको भिक्षा मंगवाई थी, टुकड़ों का प्रसाद बंटवाते हैं, तो रात को वो आएगा, आप सभी लोग आना, रात्रि में अपने घर से जरूर स्वामी जी के लिए भोग ले आना, क्योंकि वो मंगवा रहे, वो भेज रहे हैं घर घर में, तो आप भी अपने घर से जो भी आपको बन सके रूखा सूखा जरूर ले आना, कुछ ना कुछ। बोलो श्री प्रहलाद प्यारे की जय, भाव के धनी की जय हो। सुंदर सा जी चौपाई बुलाएंगे, अब ये सब साथ को अमेरे सब साथ को लिखो कुछ खबर, लिखो कुछ खबर मेरे भाई श्री राज की, सो लिखी तुम ऊपर, सो लिखी तुम ऊपर, सो लिखी तुम ऊपर, सो लिखी तुम ऊपर प्यारे की हमने कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, बाईजूराज महारानी जी की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस लालदास महाराज की, सदगुरु परमहंस रामरतन दास की, बाबा दयाराम साहेब की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। श्री धाम धनी की जय, श्री बाईजूराज क्या बोलना, अच्छा
अच्छा तो मैं भूल ही जाता हूँ। आनंद मंगल श्री राम नंदन जुकी श्री वाहे श्री महाराजा छत्रसाल झुकी जय श्री सुंदर साहब झुकी जय श्री सुंदर साहब जियावर जी साहेब जी के चरणारविंद में राणाधर सुंदर साहब जी, जैसा कि परम श्रद्धेय पुजारी जी में महाराज ने आपको बता ही दिया है, रात्रि टुकड़ों का प्रसंग होगा। बीतक की मजल पूर्ण करनी है परसों,
मिलाप का दिन है। और कल भी बहुत सुंदर साहब कह रहे थे, अचानक जयपुर का प्रसंग आ गया तो सुंदर साहब अपने भाव से महामती प्राणनाथ जी 3 दिन तक यहाँ चारपाई पर विराजे रहे, तो हमारे भाव तो रह ही गए, अचानक प्रसंग आ गया तो हम भोग बना के लाते। तो ये राजी महाराज की कृपा है कि अगर सुबह ये प्रसंग आता है तो सुंदर साथ 4 बजे 3 बजे उठ के अपने भोग बनाते। ये राजी महाराज ने सबको अवसर दिया है कि आज सायकाल में ये प्रसंग आएगा, और लगभग 15-20 मिनट के बाद ही 9 बजे चर्चा प्रारंभ होगी, तो 9:15-9:30 बजे के मध्य ये प्रसंग आ जाएगा टुकड़े वाला। तो सब सुंदर साहब के चरणों में प्रार्थना, समय से पधारेंगे। और कल रामनगर की गड़े की मंदसौर की बहुत बड़ी मजल है, तो आपके चरणों में प्रार्थना, कल लगभग 1 घंटा कम से कम रात्रिकालीन चर्चा के लिए भी आप देंगे तो मेहरबानी होगी। कल प्रातः होगा और आज 9 बजे रात्रि को हम सब मिलेंगे। कल जिन सुंदर साहब के भोग की बारी है, मनोज जी आपको बता। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, कल जिन सुंदर साहब के भोग की बारी है, श्रीमती शारदा तुलसी, श्री पंकज तुलसी, श्री जयकार जी भगत, श्री किशनलाल जी तलेजा, श्री सौरभ तलेजा, श्री अशोक कुमार तलेजा, श्री मंत्री विजय तलेजा, श्री गौरव तलेजा, श्री विजय तलेजा, श्री अजय कुमार, श्री अजीत मदान, श्री अनिल भगत, श्री राजेश चिलाना, श्री करण तलेजा, श्रीमती संतोष तलेजा, श्री राजेश तलेजा, श्री राजेश मदान, श्री अतुल मदान। बोलो श्री प्राण तुम होते सीखे जियो मैं अर्ज करूं मेरे पिया जैसे तुम देन करूं पिया तलफ तलफ जाई पिया पिया
सुंदर सा
सुंदर रूप धरे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाम के धनी की जय। सतगुरु महाराज की जय। वैजराज महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय।